तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फिर से एक बार YouTube चैनल पर। तो आपके पास भी एक सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग के फ़ोन में बहुत सारे छिपे ऑप्शन होते हैं जो शायद आप नहीं जान पाते हैं और ना ही कभी उसका आप यूज कर पाते हैं। तो उसी छिपे हुए ऑप्शन को आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही कमाल का ऑप्शन होता है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो एक करके उसी को आज हम बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इजी टू टेक को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस छिपे हुए ऑप्शन को बताते हैं। आप इस वॉलपेपर को देखिए, ये कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ये इसी फ़ोन में दिया गया है और आपको इसको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, इस वॉलपेपर को आपको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से नीचे आइएगा तो वॉलपेपर एंड स्टाइल पे आना है। ये सैमसंग के सभी फ़ोन में होता है लगभग। इसके बाद माई वॉलपेपर, इसके बाद इस थ्री डॉट वाले पे आपको टैप करना है, लाइव वॉलपेपर। इसके बाद फनी कलर लाइंस पे आपको टैप कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का आएगा और यहाँ से आप इसको सेट वॉलपेपर पे कर दीजिए। होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन आप दोनों जगह रख सकते हैं, कहीं भी आप सेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका वॉलपेपर कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप जहाँ भी इसको टच कीजिएगा वहाँ भी फनी लाइन बनने लगेगा। तो ये बहुत ही कमाल का है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा है ये देखिए, ये माउस पैड। आप अपने मोबाइल को जो है माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं, माउस पैड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आपको कैसे ऑन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो माउस पैड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे आइएगा, तो नीचे आइएगा तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा एसेसिबिलिटी का, इस पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपसे यहाँ पे तो आपको इस वाले ऑप्शन पर इंटरेक्शन वाले ऑप्शन पर आना है। आने के बाद यहाँ से असिस्ट मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है, अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ से एक ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ से आप बहुत सारे इसमें ऑप्शन होता है, तो आप माउस पैड को यूज़ करने के लिए यहाँ से टाइप करके आप यहाँ से अपना माउस पैड यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कूल लगेगा जब आप इसको यूज़ कीजिएगा, तो सारा का सारा चीज़ आपको माउस पॉइंटर की तरह दिखेगा और यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। सैमसंग के फ़ोन में एक बहुत ही खास फीचर होता है, कोई भी अगर आपके पास मैसेज भेजता है उसे डिलीट कर देता है। तो आप अपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री से उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसको अभी ऑन करने के लिए सबसे पहले तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन करने के लिए सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे की तरफ आना है तो ऐसे एक एडवांस फीचर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आना है और यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर जाना है और इसको ऑन कर देना है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कीजिएगा तो जो भी आपको मैसेज भेजता है और डिलीट करता है तो यहाँ उसको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। और गलती से यहाँ से हट भी जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जो था वो क्या था। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं। तो रैम को इंक्रीज करने के लिए ऊपर आइए सेटिंग में, यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर का, और इसे इधर आने के बाद आपको यहाँ मेमोरी पर टाइप करना है। मेमोरी पर टाइप कीजिएगा तो यहाँ नीचे आइएगा तो रैम प्लस का एक ऑप्शन होता है सैमसंग में। इस ऑप्शन को आप 2 GB, 4 GB, 6 GB या 4 GB, 6 GB, 8 GB का ऑप्शन होता है, अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं और उतना ही आप रैम को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट है डबल मैसेंजर। आप अपने फ़ोन में मैसेजिंग ऐप का यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि सारा मैसेजिंग ऐप दो दो हो जाए, तो आप दो यूज़ कर सकते हैं एक ही फ़ोन में, दो फेसबुक, दो मैसेंजर ऐप, दो व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सेटिंग में आना होगा आपको। ये जो है ये अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी फ़ोन से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से। इसके बाद आपको यहाँ से आना है नीचे। नीचे आएगा तो एक एडवांस फीचर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे आएगा तो डबल मैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, या डबल मैसेंजर आइएगा तो आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप दो हो जाए या डबल फेसबुक हो जाए, डबल मैसेंजर हो जाए, तो इस सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। और ऑन करने के साथ यहाँ से आप तो यहीं जैसे ही इसको ऑन कीजिएगा यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन हो जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक कॉन्टैक्ट वाला है तो आप कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो देखिएगा कि टर्निंग ऑन डबल मैसेंजर, डबल मैसेंजर आपका ऑन हो जाएगा। आप तीनों में से कोई भी, तीनों को आप ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारा सैमसंग में ऑप्शन होता है लेकिन मैं सब बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई भी ऑप्शन आपको इसमें से अच्छा लगा होगा तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।